नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब दिल खुश तो सब खुश, लेकिन अगर आपका दिल ही बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ये सुनकर आपको हैरत होगी कि भारत में होने वाली सभी मौतों में से करीब एक चौथाई मौतें हार्ट के चलते होती हैं, और भारत के सभी हिस्सों में मौत का प्रमुख कारण हार्ट अटैक ही माना जाता है। भारतीयों को युवा व्यवस्था में हृदय रोग उभरने की संभावना अधिक होती है। असल में भारतीयों को पश्चिमी लोगों की तुलना में हृदय रोग 8 से 10 वर्ष पहले ही उभरता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2030 तक की सीवीडी कामकाज की आयु वाले वयस्कों यानी 35 से 64 वर्ष के बीच तकरीबन 18 मिलियन उत्पादन वर्ष के नुकसान करने वाला कारण हो सकता है। लोगों को हार्ट से जुड़ी हुई जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी हिसार में आज हृदय के स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया, जिसमें एक प्रेस वार्तालाप का भी आयोजन किया गया था। इस मौके पर डॉक्टर अविराज चौधरी के साथ सर्वोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम मौजूद रही। प्रेस बंधुओं के खास बातचीत के साथ वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर डॉक्टर अविराज चौधरी हृदय रोग विशेषज्ञ का कहना है कि जीवन शैली से जुड़ी पसंद नापसंद एक अहम भूमिका निभाती है। भारतीय लोग खराब गतिविधि, अधिक फैट वाले आहार और फलों व सब्जियों को टालने के साथ साथ हृदय रोगों का जोखिम उठा रहे हैं। आज की तनाव भरी दुनिया में यह महत्वपूर्ण हो गया है कि हमसे हर व्यक्ति अपने परिजनों के हृदय की रक्षा के लिए रचनात्मक कदम उठाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। खासकर रोकथाम करना आसान होता है और इसे कार्डिफ जोखिम काफी कम हो सकता है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाने का निर्णय लिया है, और ये पिछले 19 सालों से लगातार मनाया जा रहा है। इसका मकसद यही है कि विश्व में हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता लाएं और कैसे इन बीमारियों से बचाव हो। अभी ये वर्तमान में स्थिति ये है कि 17.2 मिलियन लोग हर साल विश्व में हृदय रोगों से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और ये स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। 2030 तक 23 मिलियन लोगों की मृत्यु एक्सपेक्टेड है हृदय रोगों से। भारत में स्थिति और भी खतरनाक है। हमारे यहाँ पर विश्व के कंपैरिजन में और विकसित देशों के कंपैरिजन में 8 से 10 साल पहले ये बीमारी डेवलप हो रही है। मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है एज बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और पहले ये माना जा रहा था कि ये बीमारी वृद्ध लोगों की और सिर्फ पुरुषों की है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये एकदम से शिफ्ट हो गया है। युवाओं में बहुत ज़्यादा हो रही है बीमारी, महिलाओं में, या जहाँ तक माना जाता था कि 45 से 50 से पहले महिलाओं में नहीं आता, लेकिन पिछले 10 दिनों में हम यहाँ पे दो ऐसे मरीज, महिला मरीज जिनकी उम्र 30 और 35 से कम है, उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। तो ये वाकई गंभीर स्थिति है। इन्हीं के बारे में जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने निर्णय लिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड हीरोज़ बनाएं, लोगों को अवेयर करें, ताकि हर किसी अपने स्वयं के हार्ट के साथ साथ लोगों के हार्ट के भी रक्षा कर सकें। इसमें अपने को हमारे कुछ व्यक्तिगत कर्तव्य है, कुछ समाज और राष्ट्र के कर्तव्य हैं। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्मोकिंग ना करें। 80% जो मौतें हुई है उनको सिर्फ हम 5 बैड हैबिट्स को अवॉइड करके बचा सकते थे, जिसमें स्मोकिंग सबसे मेन कारण है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड और पोल्यूशन। पोल्यूशन और स्ट्रेस दो नए रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से हृदय से संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा समाज और राष्ट्र के ये कर्तव्य बनते हैं कि ज़्यादातर लोग साइकिल पे चलना चाहते हैं, लेकिन साइकिल के लिए बहुत अच्छा ट्रैक नहीं है। आज स्कूलों की ये स्थिति है कि प्लेग्राउंड सिमट गए हैं, बिल्कुल इंडोर एक्टिविटी होती है लेकिन बाहर मैदान नहीं बचे हैं। कॉर्पोरेट स्कूलों में कहीं पे भी ग्राउंड नहीं है, तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल सके, प्रमोट करें स्पोर्ट्स को, अच्छा हेल्दी मील मिले स्कूल में, ये गवर्नमेंट लेवल पे और सोसाइटी लेवल पे कर सकते हैं। बाकी बचाव ही इस बीमारी का इलाज है। डॉक्टर अविराज ने बड़े डिटेल में हृदय दिवस के बारे में और बचाव के लिए जो कारण इसके पॉसिबल हो सकते हैं बताया,
मैं सिर्फ एक ही चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि अपना लाइफस्टाइल बदलना, वे ऑफ लिविंग, हम कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, ये बदलना बहुत ज़रूरी है। पिछले ज़माने और आज के ज़माने में जब मैं पढ़ता था तो मेरी स्टैंडर्ड टीचिंग थी कि 45 साल से पहले कोई हार्ट अटैक किसी को होगा ही नहीं, और आज की सुबह ही एक 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक का हमारे हॉस्पिटल में एडमिटेड। इतना डिफरेंस आ जाना सिर्फ लाइफस्टाइल के चेंज के कारण है कि हम एक फॉल्स सी तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा में फंस गए हैं, अपने आप को ऊंचा ले जाना चाहते हैं, कारण कोई हो या मेथड कोई हो। स्मोकिंग सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। हरियाणा और इस एरिया में सिर्फ स्मोकिंग नहीं, टबैको च्यूइंग भी उतना ही प्रचलित है। तो ये चीज़ें हैं जो बचाव करना सबसे बेहतर है। इलाज एक सेकेंडरी चीज़ है, हमें ज़्यादा ध्यान बचाव पे देना चाहिए। संतोष भरा जीवन पहले क्यों नहीं होता था? विलेजर्स में हार्ट अटैक बहुत कम होता था क्योंकि उनको दो टाइम की रोटी मिल गई, अच्छी फसल हो गई, दे वर सेटिस्फाइड। आज कोई विलेजर्स भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी चीज़ बिना काम किए, बिना मेहनत किए हमें मिले। इन चीज़ों का असर हम लोगों की जीवन शैली पर आया है और जीवन शैली को बदलना ही हार्ट अटैक से बचाव का सबसे बड़ा कारण। आपके सामने फिर से लौटूंगी कोई ऐसे ही नई ताजी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।